स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, रिंकल्स। अक्सर ब्यूटी कॉन्शियस भी लोग होते हैं, वो जी छाइयाँ पै गई हैं, वो जी वो झुरियाँ पै गई ने जी, वो जी डिसकलोरेशन आ गई, वो शाइन नहीं रही स्किन की जी। आपके पास मॉडर्न वुमेन्स आएंगी और इस तरह के लोग आएंगे, तो अर्जेंटम नेट्रिकम रिंकल्स को बड़ा अच्छा ठीक करती है, लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा ठीक करती है। वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं ना, वो अर्जेंटम के मरीज नज़र आते हैं। अर्जेंटम फेस, बूढ़ा फेस, बच्चा होगा ना बूढ़ा नज़र आए, अर्जेंटम रिंकल्स को अच्छा, लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा रिंकल्स को निकालती है। डिस्कलोरेशन आ जाती है, फ्रैकल्स, और फ्रैकल्स में हमने प्लम्बोमेट को बड़ा बड़ा मजे का पाया, रिंकल्स में भी प्लम्बम है, डिजनरेशन है ना, स्लो 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 प्लम्बम। और हमने यहाँ रिंकल्स में और फ्रैकल्स में मैंने सोल्स को बड़ा अच्छा आजमाया, सोल एक्सरे बड़ा अच्छा काम करती है उसमें, फ्रैकल्स में मैं कहता हूँ कमाल काम करती है। अपने में तो बड़ियागा और सीपीआई लिखी हुई है ना, लेकिन हमने इससे बढ़कर काम किया है। सोल दें आप, कार्सिनोसन दें, बेसिलिनियम दें, ग्रेफाइट दें, प्लम्बमेट दें, जो फ्रैकल्स के यूं उड़ा के रख देती हैं। अक्सर ये जो लड़कियां यंगस्टर भी आती हैं ना, वो भी तबाह कर देती हैं, पांच पांच क्रीमें गट्ठी मेस करके लगा रही होती हैं, समझ आइए। प्लम्बमेट बहुत बहुत इस तरह होती है ना, जैसे मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पता लगता है इनकी स्किन पर मैल जमी हुई है, मैल जमी होती है, प्लम्बमेट उड़ा के रख देती है, ग्रेफाइट उड़ा कर रख है। इग्नेशिया, इग्नेशिया आई जी, वो तो डिप्रेसिव फेस है ना, उसका कॉजेटिव फैक्टर वही है, वो तो फिर एसिड फास, वो लाइकोपोडियम, वो कालीफा वो आएगी, लेकिन टिपिकली जो लाइकोपोडियम, अर्जेंटम, रेटागार, डिस्कलरेशन, प्लम्बोमेट डिस्कलरेशन, ऑल टाइप ऑफ द डिस्कलरेशन जो है वो प्लम्बोमेट। फिर चेरिडोनियम है, आपकी लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव कराएं, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, वो अच्छी स्किन हो जाती है। नाइस जी, मैले के चेले बंदे नज़र जो आते हैं ना स्किन, सल्फर जैसे, सल्फर भी बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर तो मैं कहता हूँ जितना झूठ मारूँ, इस किस्म की दवाई है कि इसके बारे में जितना मैं बोल जाऊँ जितना ना बोलूँ, ये बस दवाई बहुत बड़ी, नो डाउट, ऐसे ऐसे काम दिखा देती है कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है, और 30 में दिखा देती है, सिर्फ 30 में। मैंने ऐसे 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 स्किन के केसेस हमने, मतलब ये कार्सिनोसन, ट्यूबर, सराइनम, सल्फर, ग्रेफाइट से ठीक हैं, जो अनट्रीटेबल वेस्ट में नहीं ठीक होते, यूके में नहीं ठीक हुए, वो ठीक हो जाते हैं। तो स्किन में हमारी बड़ी ग्रिप है, हमारे पास सोराइसिस है, हमारे पास एक्जीमेज हैं, वो हम बड़ा अच्छा डील करते हैं, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका बड़ा आम रोल, बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा स्किन पे होम्योपैथी की तरफ रुजू करते हैं। आगे चलते हैं, मैं 10 से पहले 10 तक ख़त्म करते हैं, आधा घंटा और लगाते हैं, थक गए, चाय नहीं आई, चाय आती है फिर फ्रेश अप हो जाए, हैं आ रही है, मैं गर्म हूँ, मैं बिल्कुल जनाब आप फिक्र ना करें, मैं यकीन मने सुबह 5 बजे क्लिनिक से उठ के गया हूँ, सुबह 5 बजे ये लड़के गवाएं कितने, मैं 4:30-5 गया हूँ ना, 4 बजे मैंने ऊपर आया, नमाज पढ़ी है, और मैं 4:15-4 निकलूँ घर में, 4:45 पहुँचा 5 के, समझ आइए, वो अल्लाह की मेहरबानी है, है? स्टेमिना है, लोगों के साथ अच्छा करें स्टेमिना बन जाएगा। विटामिन्स की जगह देखो, विटामिन्स का अपना रोल है, लेकिन ये जो ये काली फास है, एसिड फास है, ये लाइकोपोडियम है, ये सारे विटामिन्स की मतलब ये रोल प्ले करते हैं ना, आपकी डिजनरेशन है, ये रोल प्ले करते हैं ना।